फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविलाइजिंग प्लान्स। सो व्यूअर्स, आज हम आपको ये बताएंगे कि बीम का जो पोजीशन बिठाने का रहता है वो फर्स्ट क्या किया जाता है। देखिएगा, जो नॉर्मल जो धागा मिलता है आपको दीवार को, जो थोड़ा सा ये धागा जो है थोड़ा सा मोटा रहता है। अब इसका मार्किंग देखिए किस तरह से करते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट चौक से फाइनल वैल्यू मार्किंग किया जाएगा, फिर उसके बाद ये जो प्लेट कहाँ तक रखना चाहिए यहाँ पर उन्हें मार्किंग किया जाता है। ऐसा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया। अब नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस देख सकते हैं आप। और जो हम लाइन डोरी लेते हैं ना, रेशम का धागा, वो वाला नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब दीवार के लिए इस्तेमाल किया वाला, मतलब थोड़ा सा कॉटन जैसे रहता है ये धागा, दीवार का धागा ये। तो ये प्लिंथ लेवल, इसके बारे में मैं और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए देख सकते हैं आप, प्लिंथ बीम के लिए मार्किंग चल रहा है। और उडन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको अच्छा सा पानी पिला के करना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर का जो पानी रहता कंक्रीट के अंदर, ये उड ही पी लेगा, तो स्ट्रेंथ में थोड़ा सा रिडक्शन होने का चांसेस रहता। वो कॉलम का आउटर फेस, फिर वहाँ पे भी जो इंडिकेटर रहते हैं वहाँ पे, फिर उसको अच्छे से टाइट में पकड़ के इसको बीच में से कोई चाहे तो ऐसे टप, ये देखिएगा पूरा मार्किंग हो जाता स्ट्रेट एकदम। ये हो गया आपका बीम का मार्किंग। सो बीम का मार्किंग कैसा करना चाहिए शायद आप देखें यहाँ पर। और फिर देखिएगा, अभी स्टार्टिंग स्टेप से आपका बीम का साइज कितना है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा। 9 इंच का बीम आ रहा है विड्थ, तो 9 इंच में मार्किंग किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका ये एक एंड का एंड हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा एंड। सो कॉलम का आउटर फेस से लेके यहाँ पर 9 इंच का मार्क किया जाएगा। सेम वही प्रोसीजर,
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव ग्रेट डे।